वेलकम बैक गाइस, आज हम आप लोगों को एक ऐसा धांसू तरीका बताने वाले हैं जिसके बाद ये चोर चक्कों के पक्का आंसू निकल आएंगे। क्योंकि गाइस इसमें क्या है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्मार्टफोन इस समय कौन यूज कर रहा है, आप उसकी डायरेक्ट सेल्फी ले सकते हो। इसीलिए गाइस चोर चक्के अगर आपका स्मार्टफोन चुरा लेते हैं तो भैया वहां पे आप उनकी डायरेक्ट सेल्फी ले पाओगे जो कि गाइस आगे आपके काफी ज्यादा काम आएगी। मस्त प्लान है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो आपको ये जो मैक्रो ड्रॉयड एप्लीकेशन है इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसका नाम आप लोगों ने बहुत जगहों पर सुना होगा, ये गाइस एक डिवाइस ऑटोमेशन ऐप है। अच्छा, इसको जब आप डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से ओपन होगा। अब यहाँ पे गाइस अलग अलग ट्यूटोरियल्स दिए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप सिंपली कर दीजिए टिक पर क्लिक। अब यहाँ पे गाइस देखो अपग्रेड नाउ लिखा है तो इस पे आप सिंपली यहाँ पे जाइए बैक। अब ये इसका मेन पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ऐड मैक्रो पर करना है क्लिक। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे तीन अलग अलग चीजें हैं, ट्रिगर्स हैं, एक्शंस हैं और कंस्ट्रेंट्स हैं। हम सबसे पहली जो चीज सेट करेंगे वो गाइस है एक्शंस, इसीलिए इसके सामने जो प्लस बटन दबाया इस पे करेंगे हम क्लिक। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है कि भैया आपको सामने वाले की सेल्फी लेना है तो आपको कैमरा या फोटो वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ये जो टेक पिक्चर लिखा है इस पे करना है क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉ ओवर अदर एप्स की परमिशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर से हम ढूंढ लेंगे उस मैक्रो ड्रॉयड वाले ऐप का नाम और उसके बाद यहाँ पे हम परमिशन को कर देंगे अलाउ। और गाइस इसके बाद जब आप बैक जाएंगे तो भैया इसके बाद फिर से आपको टेक पिक्चर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कैमरा की परमिशन पूछ रहा है तो आप सिंपली व्हाइल यूजिंग द ऐप पर कीजिए क्लिक। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप फ्रंट या रियर कैमरा कौन सा यूज करना चाहते हैं, तो गाइस फ्रंट हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हाइड कैमरा आइकॉन पे आपको क्लिक करना है, इससे क्या होगा कि सामने वाला ये जान नहीं पाएगा कि आप उसके फोन से फोटो को कैप्चर कर रहे हैं। क्या बात है सर। उसके बाद ओके कीजिए। और गाइस यहाँ पे आपको फोल्डर को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप फोटो को स्टोर करना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपनी इंटरनल स्टोरेज में जाइए, यहाँ पे DCIM वाले फोल्डर में जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरा वाला फोल्डर मिलेगा जिसको गाइस आप यूज दिस फोल्डर पे कीजिए क्लिक और यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। अब गाइस इसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारा टेक पिक्चर वाला सबसे पहला एक्शन सेट हो गया। समझ गया। फिर भैया हमें फोटो खींचने के बाद उसे शेयर भी तो करना है। हाँ भाई हाँ। तो गाइस उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली ये जो प्लस बटन है इस पे करेंगे क्लिक। अब इसके बाद हमें फिर से जाना है कैमरा या फोटो वाले सेक्शन में, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है शेयर लास्ट फोटो, इस पे आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पे गाइस आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी, साथ ही में गाइस एक्सेस फोटोज की परमिशन भी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे गाइस देखो तीन अलग अलग ऑप्शंस है, पहला तो गाइस है ट्विटर के द्वारा, दूसरा है मेल के द्वारा, तीसरा इंटेंट के द्वारा। तो गाइस आपको शेयर विद ईमेल करना है। जी हाँ गाइस, वो सबसे आपके लिए आसान पड़ेगा। अच्छा। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे ओके पर कीजिए क्लिक, और गाइस यहाँ पे आपको जीमेल अकाउंट पर ओके करना है। अब यहाँ पे आपको अपना जीमेल अकाउंट को चूज कर लेना है, उसके बाद आपको ओके पर करना है क्लिक। अब भैया यहाँ पे देखो आपके सामने टॉप साइड में एक नोटिफिकेशन आएगी साइन इन रिक्वेस्टेड की, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद गाइस कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। और गाइस यहाँ पे देखिए क्या पूछा जाएगा कि ये जो ऐप है मैक्रो ड्रॉयड वो भैया आपके जो है ईमेल्स को सेंड करना चाहता है अपने बिहाफ पर, इसीलिए गाइस उसकी परमिशन को आपको अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि गाइस आप फोटोज वगैरह इससे शेयर करेंगे। अब यहाँ पर गाइस क्या है कि अपना आपको ईमेल एड्रेस देना है, लेकिन यहाँ पे आपको वो ईमेल एड्रेस देना है जिसमें गाइस आपको फोटो वगैरह को स्टोर करना हो, तो यहाँ पे आप अपना भी दे सकते हैं या गाइस कोई और दूसरा ईमेल एड्रेस हो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे जो टिक बटन है इस पे आपको करना है क्लिक। तो गाइस देखो ये तो हमने दोनों एक्शंस को सेट कर लिया। पहला गाइस है कि हमने फोटो ले लिया, उसके बाद उसे कर दिया शेयर इस ईमेल एड्रेस पर। लेकिन गाइस इसके बाद ये जो हमने एक्शन को सेट किया इसे गाइस हमें किसी माध्यम से ट्रिगर करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसके लिए गाइस काम आएगा पहला वाला सेक्शन जिसका नाम है ट्रिगर्स। इसके सामने जो प्लस बटन बना है इस पे हम करेंगे क्लिक। अब गाइस देखो ट्रिगर करने के काफी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन गाइस हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो गाइस है कि आपको कनेक्टिविटी में जाना है। उसके अंदर गाइस आपको ये मिलेगा वैभव की URL जिस पे आपको करना है क्लिक। अब गाइस देखिए इसके सामने कुछ बाद में ऐसा पेज खुल के आएगा। अब गाइस यहाँ पे जो टॉप साइड में आइडेंटिफायर लिखा है इसमें आपको कुछ भी यूनिक लिख देना है, लाइक आप फोटो लिख सकते हैं। ठीक है। अब गाइस उसके बाद क्या है कि आपको एक URL मिल जाएगी जिसको आप कर लीजिए कॉपी, और भैया इसके बाद और जो सेटिंग्स हैं वो हम ऐसे ही रहने देंगे, और गाइस सिंपली हम कर देंगे ओके पर क्लिक। तो गाइस देखिए हमारी ये जो URL है वो हमने कॉपी कर ली थी, और गाइस ये URL आपको संभाल के रखनी है। ठीक है, समझ गया। क्योंकि गाइस इसके बाद क्या है कि आप सबसे पहले तो जो है इसे हम सेव कर लेते हैं, तो इसके लिए आप टॉप साइड में इस मैक्रो का नाम डाल दीजिए। तो गाइस देखो यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, अब इसे सेव करने के लिए सिंपली बैक पर करेंगे आप क्लिक, और भैया यहाँ पे आप कर देंगे इसे सेव। तो गाइस देखिए कुछ इस टाइप से ये ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा है आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो ये इसे आप सिंपली क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पे गाइस क्या है कि नीचे साइड में मैक्रो वाला सेक्शन है, जब आप इस पे
जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका ये जो पहला मैक्रो है वो गाइस इनेबल्ड है जी, अगर स्विच ऑन होना चाहिए तभी आपका काम करेगा। अब गाइस क्या है कि आपने वो जो URL कॉपी की है उसे आपको बस संभाल के रखना है जी। अगर इस फॉर एग्जांपल जैसे आप WhatsApp ओपन करने के बाद इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने किसी WhatsApp अकाउंट पर। और गाइस इसके बाद क्या है कि ये जो लिंक है इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है दूसरे स्मार्टफोन पर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दूसरा स्मार्टफोन तो है नहीं, तो हम यहाँ पे सिंपली लैपटॉप पे करेंगे ओपन। और गाइस देखो ओपन करने के बाद यहाँ पे ओके लिख जाएगा, और गाइस जैसे ही ओके लिखेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा चल चुका है गाइस। इसके बाद ये चुपचाप फोटो कर लेगा कैप्चर, और गाइस थोड़ी देर में ये फोटो को शेयर कर देगा। इसीलिए गाइस जैसे ही आप जाएंगे अपनी जीमेल में तो गाइस देखो यहाँ पे हम ये जीमेल में चले गए। और गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो जीमेल में ईमेल आईडी है वही वाली होनी चाहिए जो कि गाइस वहाँ पे आपने डाली थी। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे अगर हम करें इसको रिफ्रेश तो गाइस देखो रिफ्रेश हो जाने के बाद यहाँ पे ये देखो कि नया मेल आ चुका है। और गाइस जब हम इस पे ये जो फोटो है इस पे करेंगे क्लिक तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि ये फोटो आ जाएगा, जहाँ पे आप देखिए ये तो है सारा कैमरा, और गाइस टॉप साइड में फैन वगैरह लगा है, इसीलिए मतलब आप समझ लीजिए कि इसने अपने फ्रंट कैमरे से फोटो को कैप्चर कर लिया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। साथ ही में गाइस अगर स्मार्टफोन की डिस्प्ले इस तरीके से बंद हो तब भी गाइस ये ट्रिक ऑटोमेटिकली काम करती है, इसीलिए गाइस आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चुपचाप ये जो स्मार्टफोन है वो फ्रंट कैमरे से फोटो को खींच लेगा और आपकी ईमेल आईडी पर कर देगा सेंड। लेकिन एक सेकंड, हाँ लेकिन आपको एक चीज से घबराने की जरूरत है वो गाइस ये है कि मान लो चोर चक्का आपका स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर दे या एरोप्लेन मोड को टर्न ऑन कर दे तो ये वहाँ पे क्या है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि गाइस उस स्मार्टफोन में इंटरनेट ही नहीं रह जाएगा। गजब बेइज्जती है। इसीलिए गाइस फिर ये जो सिचुएशन है इसके लिए गाइस आप दो तीन काम कर सकते हैं। नंबर वन तो ये है कि शटडाउन वाली प्रॉब्लम के लिए आप फेक शटडाउन का यूज कर सकते हैं। ऐसे गाइस कई अलग अलग आपको एप्स मिल जाएंगे, एक ऐप हैमर सिक्योरिटीज की तरफ से है जिसको जब आप सेटअप कर लेंगे इसके बाद गाइस क्या है कि वहां पे एक फेक शटडाउन वाला फीचर होगा जिसमें गाइस फॉर एग्जांपल जैसे आप पावर बटन दबा के उसको गाइस शटडाउन करते हैं अपने स्मार्टफोन को, तो गाइस जैसे ही आप यहां पावर ऑफ पे क्लिक करेंगे इसके बाद गाइस एक एनिमेशन प्ले होगा भाई शटडाउन वाला, और उससे चोर चक्के को लगेगा कि स्मार्टफोन बंद हो गया है। लेकिन गाइस एक्चुअली में स्मार्टफोन बंद हुआ ही नहीं है जी, हां गाइस वो तो एक फेक एनिमेशन बस आपकी डिस्प्ले के ऊपर प्ले हो रहा है। वाह क्या सीन है। इसीलिए गाइस आप ये काम कर सकते हैं। और गाइस देखो जो दूसरा काम है वो ये है कि आप जो लॉक स्क्रीन से ही आप देखते हैं कि नोटिफिकेशन पैनल जो होता है इसको गाइस आप डिसेबल कर सकते हैं जी। हां गाइस इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में चले जाना है, वहां पे आप कंट्रोल सेंटर या नोटिफिकेशन पैनल के नाम से आप सर्च कर लीजिए, या गाइस लॉक स्क्रीन के नाम से आप सर्च कर लीजिए और गाइस वहां पे आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे गाइस ये ऑप्शन कुछ स्मार्टफोनों में अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो गाइस ये हमने आपको बता दिया काफी ज्यादा जबरदस्त वाला मेथड जिसको आप यूज कर सकते हैं, और आपको मेथड कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्या बढ़िया था गुरु। अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही में आप ऐसी वीडियोस काफी इजीली एकदम फ्री में पा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बस बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कोई क्वेश्चंस कोई सुझाव वगैरह देने हो सब आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।